आ गए। और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर अंकुश वीडियो में। अब सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी करे अच्छी वाली। पता नहीं भैया तुम कहाँ का सोच के बैठे हो, क्या पता मेरी क्या कहते दुआ मेरे लिए तो लगती नहीं, तुम्हें लग जाए है ना, तो अच्छी वाली दुआ तुम्हारी पूरी हो जाए। बाकी हल्का फुल्का इस गरीब का भी ध्यान रख लेना है ना, मेरे लिए भी मांग लिया करो कभी कुछ, छोटे मोटे मेरे भी सपने हैं। बाकी देखो अब इवेंट पे तो अपने को जबरदस्ती भेज दिया गया, वहाँ पे गन उठाने ना दी भाई, बंदे इतने ज्यादा आने लग गए ना, अभी रुको देखो तबाही मचाई जाएगी। तुम्हारा याद आता है यहाँ पे, अभी देखते जाओ। और बाकी देखो ध्यान से देखना तुम्हारा भाई कैसे किल्स निकालता है, क्योंकि इवेंट में अपने वो कम किल्स मिले थे, फिर भी एंड तक देखना अपने टोटल कितने किल्स होने वाले और प्लस बाकी ठीक ठाक मिल रहा है। मेन आप लोगों को किल्स के साथ में टॉप 10 आना पड़ेगा। और बाकी अपने रैंक और टियर की बातचीत कर लीजिए, तो रैंक तो अभी चल नहीं रही है और बाकी टियर अपना एस जस्ट होने वाला है, 70-80 का प्लस चाहिए, जो कि आज तुम्हारा लाइव पे कर देगा। लाइव पे मतलब 2-3 मैच में ही हो जाएगा एकदम आराम से। अपन डेली 9 बजे लाइव आ रहे हैं, हाँ आज भी आएंगे। अभी देखो अभी बातचीत कर लीजिए अपने गेम प्ले की, तो देखो बड़ो वाली बातचीत हो चुकी थी, तुम्हारे भाई को चाहिए तुम्हारे भाई का टावर वापस है ना, अपनी लैंडिंग थोड़ी इधर उधर हो गई थी तो अपने को जाना पड़ा था, लेकिन अभी तुम्हारा भी वापस आ चुका है तो आ जाओ खाली करवाएं। अभिन भैया जी को टंटना के अपना अच्छा खासा खाता भी खुल गया था, डीबीएस भी चमक गई थी, और अभी देखो तुम्हारा ही कितने डीबीएस से किल उठाने वाला है। अभिन भाई साहब को निपटा के खाता था खुल गया था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आता है एक और पुश। अब ये भाई साहब जितनी ज्यादा फुर्ती में आए तो उड़ते फिरते तुम्हारे भाई ने उससे ज्यादा डबल फुर्ती में इन्हें प्लेन की सवारी करवा दी। कितना अच्छा इंसान हूँ यार मैं। अभिन भाई साहब को निपटाने के बाद अच्छे खासे 2 किल हो गए थे। इन शॉर्ट बोला जाए तो तबाही देखो मच चुकी है ना, तो जब तबाही मच चुकी है तो अब और किल्स क्यों निकालना। तो अब शांति से शांति का प्रिय आदमी बन के अपने को सिर्फ और सिर्फ रिकॉल उठाना है, कोई कितनी भी बकलोली करे उसे जस्ट इग्नोर सी थिंग्स है ना, अपने को रिकॉल चाहिए तो चाहिए। अब देखो तुम्हारा स्मोक स्मोक कर देता है, देखो रिकॉल उठाया कैसे जाता है। अभी देखो मरते मराते बचे लेकिन रिकॉल अभी भी अपने हाथ में नहीं लगा है, तो रुको अभी रिकॉल भी उठाया जाएगा और बंदा भी निपटाया जाएगा, जिसको ये इतनी ज्यादा चुल है ना उसी ने समन करा था। अभी देखो इन भाई साहब को निपटाया भी जाएगा और इनका त्रिशूल भी उठाया जाएगा, देखते जाओ। इजी टेक अ चिल पिल, इजी तो नहीं मारा लेकिन हाँ इन भाई साहब को भी एकदम आराम से निपटा दिया था। अपने अच्छे खासे 3 किल हो जाते हैं और 3 डीबीएस। उसके बाद देखो अब यहाँ से रिकॉल रिकॉल उठा के तुम्हारा शांति का प्रिय आदमी बन के निकल लेता है, लेकिन निकलने से पहले एक और ये फाइट देख लो। अभिन भाई साहब के साथ में तो गलत ही मोहे मोहे वाले सीन कर दिया, अब ये त्रिशूल मेरे पे चलाया नहीं जाता, वो तो तुम्हारा अंधा चलाता रहता है, बंदे की किस्मत पे डिपेंड करता है, अगर झंड है तो मर जाएगा और बच जाएगा वरना दूसरी बात। तो देखो बड़ो वाली बातचीत ये कि मैं त्रिशूल अच्छा चलाता हूँ, बंदे की किस्मत पे डिपेंड करता है, पहले वाले बंदे की किस्मत खराब थी वो मर गया, अब ये वाले की अच्छी थी, एक त्रिशूल और पड़ता तो ये भाई साहब भी टैप बोल जाते, लेकिन ये भाई साहब बच गए गलती से। तो अब देखो 4 किल के साथ में तुम्हारा निकल गया था, अभी देखो टोटल और कितने किल्स निकाले जाएंगे। अब देखो इसी वजह से तुम लोग मरते हो, तुम लोग ना फाइट से पहली हार मान जाते हो। अब ये बंदा भाई बताओ फायर वायर ले ही नहीं रहा, उसको लग रहा मैंने स्पॉट नहीं करा, भैया मैंने स्पॉट कर लिया तभी तो रुका हूँ, अब अगर ये बंदा फाइट वाइट लेता या फिर पहली फायर लेता हो सकता है मैं ना रुकता। अब यहाँ तो एकदम आराम से धर लिए गए भाई साहब। उसके बाद देखो चुल की कमी है नहीं है ना, डीबीएस अपने हाथ में, रिकॉल अपने साथ में, बंदों को ढूंढना है बस, अब बस बंदे मिलते नहीं है। अब यहाँ पे आके तुम्हारे भाई को एक बंदा मिल गया था जिसकी अभी अभी फाइट होकर निपटी थी, अब यहाँ पे तुम्हारा जाके सीधा स्मोक में गाड़ी दे मारता है कि क्या पता बंदा मरी जाए, अब इतनी अच्छी किस्मत थोड़ी है। अब ये भाई साहब बच जाते और मैं भी क्योंकि जैसी ड्राइविंग कर रहा हूं ना तो बची जाऊं मैं। उसके बाद ये भाई साहब उड़ के निकलने का ट्राई करते हैं, तो अब देखो कैसे धरा जाएगा इन भैया जी को। देख रहे हो ये सारी ना ट्रिक्स होती है बंदों को फंसाने की। मैंने स्प्रे लेके तुरंत गन चेंज कर ली क्योंकि वो बंदे को ये लगेगा मैं रिलोड करूंगा, उतने में वो कूद के निपटा देगा, मैं पहले से ही तैयार था, मुझे मालूम था बंदा कूदेगा भाई, पता है मूवमेंट देख के समझ में आ जाता है बंदा क्या सोच रहा है क्या करेगा भाई, एकदम आराम से धर लिया तुम्हारे भाई ने। बाकी यार इतनी ज्यादा बढ़िया डीबीएस चला रहा तुम्हारा भाई, तुम्हारे लिए इतना बढ़िया बढ़िया गेम प्ले ला रहा है, एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हो, 700 लाइक का टारगेट रहने वाला है यार, कंप्लीट करवा देना भाई, काहे डिमोटिवेट कर देते हो तुम अच्छे खासे इंसान को, है काहे काहे बताओ पहले काहे।
अब देख रहे हो जैसी मेरी किस्मत है ना, मैं ना रिकॉल खत्म होते ही निपटता हूँ। तो अब यहाँ पे अपना रिकॉल खत्म हो गया था और मेरे को ये अलग घर होल्ड करना था, तो देखा मैंने कितने ज्यादा इसके साथ फेरे, तो मैंने इस घर के साथ में ऐसे ही ले लिया। तो ऐसे भैया होल्ड करा जाता है, फिर तुम बोलते हो कैंपर निपटा देता, भैया पहले चेक तो करो ढंग से। और अब देखो जिस बंदे ने अपने ऊपर स्प्रे लिया था ना, वो पहले ये गटर वटर में बैठा था, यही जो ये सर्वर लाइन जा रही है, कौन सी लाइन जाती है ये, जो भी है ठीक है, उसमें बैठा था। उसके बाद ये भाई साहब ट्रिपल स्टोरी में चले गए। अभी तुम्हारे भाई की स्पॉटिंग देखो। अरे भैया बस एक गोली बस छू के और निकल जाती ना, हल्की सी फूक और लग जाती, ये बंदा निपट जाना था। दो हेड पड़े, दो टन टन। अरे यार क्या ही कर सकते हैं, मैं तो भैया कार स्प्रे लेने के लिए आया था लेकिन बेचारे की गाड़ी ठुक गई, जिसकी वजह से वो बच गया, वरना हो सकता है कार स्प्रे में उतार दिया जाता। और बाकी देखो एक मिनट काफी होता है, जिंदगी के सारे दुख दर्द पीड़ा हटा निकले विद जिंदगी। Once an eight god, always an eight god. देखो एक नेट में ना काम 25 हो जाना चाहिए, अब किसी का भी होए भैया काम 25 हो रहा है ना, बस बात खत्म, लाइक करो शांति से। तुम्हारा भाई क्या नेट गॉड है यार। और बाकी भाई नीचे वाला बंदा पता नहीं कौन से नशे में, तभी इतनी बड़ी भयंकर वाली किलफिट चमकी है कि ऊपर वाले बंदे ने खुद पे नेट विसर्जन कर लिया है, उसके बाद रिवाइव भी हो रहा है और बंदे को होश कवर ही नहीं है। पता नहीं नीचे से नेट मौली करने में लगा पड़ा है, और नेट तो करा भी ना, मौली करी वो भी पता नहीं कहां करी। अब कोई बात नहीं, देखो जस्ट नो सी थिंग, तुम्हारा भाई बच गया ना, बस अब वो बंदा नहीं बचेगा। अब देखो नेट करा कैसे जाता है, अब दिखा दो तुम्हें। बस दिस इज हाउ नेट गॉड नेट से फोड़ता है बंदे, है ना, एकदम आराम से। अब इन भाई सबको निपटाने के बाद अच्छे खासे 7 किलो गए थे थाला फॉर ए रीजन। इसके बाद देखो अभी टोटल और कितने किल्स निकाले जाएंगे, और मेन प्लस देखना। स्प्रे देखो एकदम उच्च कोटि का था, उसकी बग्गी थोड़ी सी पीछे चल रही थी, बस उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो गई है ना, बाकी स्प्रे में कोई कमी नहीं थी। तुम लाइक करो यार, लाइक कर दो शांति से, भैया दिमाग ना खराब करो मेरा। हाँ सही बता रहा हूँ, बाकी मैं कुछ कर नहीं सकता वो अलग बातचीत है, लेकिन भैया ना करो यार। भाई अब एक तो मैंने ये औकात से ज्यादा बड़ा स्कोप लगा लिया 6x है ना, उससे कार स्प्रे ले रहा हूँ, ऊपर से उसकी ये कपल आ रही है, चल कम रही है, उछल ज्यादा रही है, ये क्या है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होती हुई आ रही है, फिर भी तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे उतार दिया। तो लाइक करो शांति से। अब मेरे को दिल से ऐसा लग रहा था ये पक्का बियाड़े में इतने में फूट जाएगी, 3 सेकंड का जो अब नया टाइमर चलता है ना इनका, हाँ कि तुम्हारी मौत आने में भी 3 सेकंड बाकी है, उसके अगल बगल भटको। भैया बड़ा बेकार लगता है मेरे को ये वाला अपडेट। देख रहे हो ऐसे जोन के अंदर बेस्ट पोजीशन खाली करवाई जाती है एकदम प्यार से, बहुत ही ज्यादा प्यार से। देखो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने आराम से आके अपना किल भी दे दिया, पोजीशन भी दे दी, तो ये देखो बड़ों वाली बातचीत होती है। तुम्हारे भाई ने एकदम आराम से निपटा दिया, अच्छे खासे 10 किलो के डबल डिजिट में। अब देखो यहाँ से जैसा मैं खेलने वाला हूँ ना, वो तुम लोग देख लो और बाकी सीख लो कि वैसा नहीं खेलना होता है, अभी तक जैसा खेला वैसा खेलना होता है ना। अब यहाँ से पता नहीं कौन सी नूब हरकतें कर रहा था, और किस्मत इतनी झंड, जैसे ही जोन स्टार्ट होता है ये सारे मेरे पे ही देखने लग जाते हैं, देखते जाओ। अब भाई जरा सा जोन दूर था, मैं यही सोच के बैठा था डायरेक्ट चला जाऊंगा, ये एंड मौके पे पता नहीं किसने पानी डाल के मजे ले लिए। अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्याम सारे भाइयों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी इस रात में 9 बजे के आसपास लाइव आ रहे हैं, तो लाइव भी आ जाना, है ना, थोड़ी ऐसे ही सकल वगल दिखा दिया करो तुम भी।